Welcome to Arabic countries. Hey, hi friends. Welcome to new vlog. आज मैं एक और न्यू व्लॉग बना रहा क्योंकि मैं आज रियाद टू सुलेल ये वाला व्लॉग बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ सुलेल जो कि यहाँ से है करीबन 700-750 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने में तकरीबन लगेंगे 5 से 6 घंटे तो मैं नमाज के बाद वहाँ निकलूँगा लेकिन अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ तो इस व्लॉग में बने रहें इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी सो आई होप आपको इन्जॉय आएगा इस व्लॉग में सो लेट्स गेट स्टार्ट सो फाइनली फ्रेंड्स टैक्सी मिली है टैक्सी में बैठा हूँ मैं और ये 3 किलोमीटर मिलने के बाद अब टैक्सी में बैठा हूँ जा रहा हूँ बता देन वहाँ से एक गाड़ी लूँगा फिर जाऊँगा दुबई मार्केट देन सुलेल बहुत लंबा सफ़र रहेगा अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी तो बने रहें इस व्लॉग में और देखते रहें लास्ट तक ये सामने एक बिल्डिंग बन रही है काफ़ी टाइम से बिल्डिंग बन रही है ये देखो सर डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त है कर्व टाइप इस बिल्डिंग बन रही है ये डेढ़ साल तो मुझे हो गया देखते देखते इस बिल्डिंग को तो फाइनली बता मैं हूँ मैं और ये मेरे पीछे बहुत सारी मार्केट है और यहाँ से गाड़ी लूँगा देन उसके बाद निकलते हैं दोस्तों अब सफ़र होता है शुरू यहाँ से सुलेल का और मैं हूँ अब यहाँ आबिद भाई के साथ यहाँ आबिद भाई मेरठ से हैं और ये चलाते हैं अलोदा शान की गाड़ी जो ये ट्रेलर है जिसमें के अंदर मैं बैठा हूँ ये पेट्रोल वगैरह कौन सा है इसमें डीजल है दोनों डीजल अस्करी के जहाज का तेल है उसे GT8 बोलते हैं अच्छा तो अब वो खाली करते GT1 है GT1 में केमिकल लगाते हैं तो फिर वो GT8 हो जाता है उससे तैयार उठता है ये GP8 लेके जा रहे हैं सुनील के जहाज उठता है लड़ाई वाले अरे भाई बड़ा खतरनाक लेकिन चीज लेके जा रहे हैं ये तो अब ये सफर यहाँ से 750 किलोमीटर है करीबन तो अभी मैंने यहाँ नमाज पढ़ी है जुमा था तो उसके बाद बस अब स्टार्ट हो गए यहाँ से अब दिखाता हूँ बैक कैमरे से नई नई चीजें बहुत सारी चीजें देखने को मिली देखो तो जोर आ रहे हैं बने रहे ब्लॉग के साथ और बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी देखने को ठीक है थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बताता हूँ ये गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है और ये मर्सिडीज की गाड़ी है इंडिया के लगभग 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी होगी ये कंप्यूटर स्क्रीन में सब कुछ बताता है ये हर एक चीज डीजल कम है वो मोबिल ऐप कम है जो भी कमी है सब इधर दिखाता है तो हर एक चीज इसके अंदर दिखाता है ये बैठा बैठा पता लग जाएगा टायर फटेगा तो भी इधर दिखाएगा सब चीज हर एक चीज क्योंकि ये डैशबोर्ड में सब कुछ दे रखा है इसके अंदर और बहुत बढ़िया है ये ऊपर सिस्टम लगा हुआ है और ये इन्होंने और यहाँ पूरा ये ट्रक कम किचन है तो किचन भी मौजूद है यहाँ हर एक चीज़ ट्रक कम किचन तो ये कॉम्बो है कॉम्बो मिलेगा तो ये हर चीज़ आबिद भाई खाना इसमें क्या बनाते हैं इसके अंदर ही ये सब्जी रखी है ये गैस है इधर पानी है हर एक चीज़ यही मिलेगी पूरी अवेलेबल कहीं भी रात को रुकना हो खाना बनाओ और सो जाए ये इनका काम है पर भी होती है खेती यहाँ पर भी खेती होती है इधर क्या आउट एरिया है और वो सामने उधर है शायद दिख रहा होगा कि पानी के लिए रहता है ये इससे पानी देता है इसमें एक मोटर वोटर लगी रहती है जिससे चारों तरफ को चलता है और पानी देता रहता है जाली जो लगी हुई है ये और आबिद भाई ने कर दी अब रेस लोग गाड़ी की अपने आप गाड़ी 80 चल रही है
यानी कि 80 से ऊपर ना ऊपर चलेगी ना नीचे, पाँव ऊपर रखा है सुकून से बैठे हुए हैं। ये देखो जी लेट के चल रहे हैं सुकून से गाड़ी चल रही है लेट के, ना कोई क्लच ना कुछ रेस बस और फोन में बात कर रहे हैं। ऐसा नाम है गाड़ी 80 पे लॉक दे पता ना क्या हो रहा, मैं भी दिला रहा था सोचो फुल मजे। अब हमने भी सोने की तैयारी कर रही है, आंखों में नींद, मैं भी सोना है और सोने के बाद फिर मिलते हैं। तो सोने के लिए बेड यहाँ पर लगा हुआ है, इस बेड पे सोएंगे साथ में और उसके बाद फिर और थोड़ी चीज दिखाता हूँ आपको और सुलेल पहुँच के फिर बात करते हैं। वेलकम टू अरबिक कंट्रीज। मैंने देखा है यहाँ रियाद में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर बन गए हैं जो खाली क्या कहते हैं ड्राइविंग को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू दिखा रहे हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ मत आओ, यहाँ गाड़ी ऐसी चलती है, यहाँ फाइन हो जाता है इतने का, ये फाइन हो जाता है, किराया मिल जाता है। तो भाई उन यूट्यूबर से गुजारिश है ऐसा ना करें, गलत बात है ये, अच्छी चीज़ बताएं जो चीज़ होती है यहाँ पर, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, कितने का किराया है, आना चाहिए या नहीं, एक्चुअल में क्या होता है वो बताएं, अच्छा है तो बताएं, बुरा है तो बताएं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और बंदों को पकड़ पकड़ के उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे हो ताकि दूसरे आने वाला भी ना आए, तो जिसको आना है वो आए तो आएगा ही, चाहे कोई कितना ही मना कर लो, आने वाले तो आते ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हैं मुझे, रियाद के बारे में, सऊदी के बारे में कुछ पूछना है, कैसे आना है, क्या करना है, मैं उसका हेल्प करूँगा। मेल भी कर सकते हैं मुझे, मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का ये लिंक है, ये यूज़र नेम है m.ktech8, इस पर जा कर के एक मेरा जो एक मेरा दूसरा पर्सनल यूज़र नेम है मेरा मुझ दिल्ली वाला जो मेरा दूसरा चैनल है, और हाँ उस चैनल पे भी आपसे व्लॉग आया, ये वाला व्लॉग उस चैनल पे डाल हुआ है, मुझ दिल्ली वाला चैनल है, तो उसके भी लिंक मैं नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को भी। तो उस चैनल पे सारे व्लॉग उस चैनल पे आएंगे, क्योंकि अभी मैं व्लॉग इसलिए डाल रहा हूँ उस चैनल पे ताकि अभी लोगों को पता लगे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, ताकि वो मेरा सब्सक्राइबर उसमें भी जाए और देखते रहे। तो उस चैनल पे प्लीज़ ज़रूर विजिट करना, मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जा कर के उस चैनल पे सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे व्लॉग बहुत सारे व्लॉग आएंगे। सो अब इंडिया आने की तैयारी हो रही है, सो जल्दी, अभी टाइम नहीं कर कंफर्म कर रखी है, लेकिन जल्दी आना है, और मे भी 10 दिन, मे भी 15 दिन, मे भी 20 दिन, कुछ नहीं कह सकते। सो भाई ये आ गए लैला फ्लाज, जहाँ की लैला थी लैला, तो लैला यहीं की थी, लैला मजनू मूवी बनी है ना, तो लैला यहीं की थी। सो ये है बड़ा महत्ता, यानी कि पेट्रोल पंप बहुत बड़ा महत्ता है यहाँ, बकाला वकाला यानी कि सुपरमार्केट वगैरह सब है यहाँ, ये मोरक्को कॉफ़ी है एक है, और ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ, ये देखो। सो यहाँ जा रहे हैं महत्ते पे कुछ सामान वामान लेने, तो ये पेट्रोल पंप है मेरे पीछे और ये गाड़ी खड़ी हुई है टैंकर, ये सुपर मार्केट। पहले ले कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहते हैं, ये मुल्ला जी अल्लाह। तो लाइफ की ये चाय हमेशा याद रहेगी भाई, चाय बन रही है यहाँ जी, गाड़ियाँ रुकी हुई है और यहाँ बन रही है चाय। सो ये मेरिन डली है, रावित भाई बनाने चाय,
बड़े नाप तोल सुना रहे, बड़े नाप तोल के। वेलकम टू अरबिक कंट्रीज। सुलेल आने वाला है, मुझे में भी 2-3 किलोमीटर रह गया बस। तो यहाँ देखो इसकी खूबसूरती। तो इधर चेक पॉइंट, यहाँ गाड़ी चलती है 10 या 20 स्पीड पर। ये देखो यहाँ की लाइटिंग। तो ये है सुलेल का कट, जब अंदर सुलेल जा रहे हैं, वो मेन रोड चला गया, अब ये अंदर सुलेल के जाने के लिए। बड़ी मुशक्कतों के बाद पहुंच गए। मुझे पता मेरा चेहरा नहीं आ रहा हुआ। फ्लैश फ्लैश अब आया हुआ। फाइनली पहुंच गए। दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड सर्कल में, और चैनल बनाए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।